एक बार गुजरात की जनता ये जानती है और समझती भी है कि गुजरात का विकास केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। हूँ दमण थी निकलो अने वलसाड़ पहुंचो। आखाए रस्ता पर जे रीते डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। लोग को आशीर्वाद आपी रहा था एक प्रकारे तमे आ सभा में आवी ले चूंटणीना परिणामनी सिंह गर्जना करी दीधी छे। ये धारणा नहीं, अब ये हकीकत है जिसकी गूंज गुजरात चुनाव के नतीजों के रूप में देश ही नहीं दुनिया ने भी सुनी। मोदी मंत्र है जीत का। मोदी रसायन है जीत का। मोदी गणित हैं, मोदी विज्ञान हैं, मोदी कला हैं, मोदी शिल्प हैं, मोदी मोती हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए मोदी सियासत के कोहिनूर हैं। जब 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर न रह जाए, जब एक छवि को धूल धूसर करने की विपक्ष की साझा कोशिश मटियामेट हो जाए, जब कोई चुनाव बाकी सभी मुद्दों से हटकर मोदी मुद्दे के इर्द गिर्द सिमट जाए, तो ये मोदी मैजिक ही है जो गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव नतीजों के बाद हर घर और हर हर की आवाज में सुनाई पड़ी। गुजरात की सत्ता में 2.5 दशक से काबिज बीजेपी के सामने न मालूम कितनी दुश्वारियां आई, न मालूम कितने प्रपंच रचे गए, न मालूम कितने जुबानी हमले हुए, लेकिन एक तिलिस्म, एक ट्रम्प कार्ड, एक मुद्दा सब पर भारी पड़ा। उस तिलिस्म, उस ट्रम्प कार्ड और उस एक मुद्दे का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2022 के गुजरात चुनाव के शंखनाद से पहले माना गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन चुनावी बाइस्कोप खुला तो हर ईवीएम से मोदी का चेहरा निकल आया। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। कांग्रेस घुटने पर आ चुकी थी। नतीजों को मोदी की सुनामी बताया जाने लगा। भले ही मोदी विपक्ष के लिए सुनामी की तरह आए हों, लेकिन बीजेपी के लिए मोदी राजनीति के उस मानसून और हवा के झोंके की तरह आए जिसने देश के साथ साथ गुजरात की सियासी आबो हवा को अनुकूल बनाकर पार्टी की जड़ें बेहद मजबूत कर डाली। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उस सींचा हुआ सिंचित जमीन है और उपजाऊ जमीन है, और जिस तरह से उन्होंने काम प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी ने, और मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात को सींचा है, उसको आगे बढ़ाने का काम क्या है वो अभूतपूर्व रहा है। और उसी का प्रतिफल है कि आज पुनः पताका भारतीय जनता पार्टी का लहराया है। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। गुजरात में बीजेपी की ये जीत ऐतिहासिक है। गुजरात में बीजेपी ने अब तक की सभी चुनावी जीतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1985 में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटें जीती थी। करीब 37 साल बाद बीजेपी ने 150 का आंकड़ा पार कर नया बेंचमार्क तय कर दिया। बीजेपी की जीत की चाप तो हर कोई महसूस कर रहा था, लेकिन बीजेपी कि रिकॉर्ड तोड़ धमक केवल एक शख्स को चुनाव प्रचार के दौरान सुनाई पड़ रही थी। सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। जाहिर है, गुजरात चुनाव का प्रचार शुरू होते ही मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी साफ साफ विजेता की तरह देखी जाने लगी थी। इसके खतरे को किसी और ने नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी ने पहचाना। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। और इसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ता कहीं सुस्त ना पड़ जाएं, इसके लिए उन्होंने अलार्म बजा दिया। आ वखते कांग्रेस कोई सभाओ नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, अने करे तोय मोदी पर हुमलो नहीं करती, अपशब्दों जराय उपयोग नहीं करती। कारण एने एक नवी चालाकी करी है, एनाथी सतर्क रहेवानी जरूर है। एने शू कर्यु छे? बोलवू नहीं, होबाळा करवाने, चुपचाप खाटला बैठको करवी, गामडे गामडे बधा पोताना लोकोने पहोंचाडी देवा, रोक अगळ करवी, पगे लागवू, बस एक वखत मदद करो, एक वखत बधुं जात जातनुं बधुं करी रह्या छे। अने होबाळा करवानो जे कॉन्ट्रेक्ट छे, गाळो भांडवानो जे कॉन्ट्रेक्ट छे, ए एमणे आउटसोर्स करी दीधो छे, बीजाने आपी दीधो छे। आ काम तमे करो, आखू गुजरात तो वाटावान डोळो। गुजरात के जैसे नतीजे आए उसकी एक वजह नरेंद्र मोदी की ये दूरदर्शिता भी है। प्रधानमंत्री की चेतावनी ने बीजेपी के कैडरों में जान फूंकने का काम किया। इससे पहले बीजेपी ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। इसके बाद 2007 में बीजेपी को 117 और 2012 में 115 सीटें मिली, और ये दोनों चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़े और जीते गए। लगातार 15 साल सरकार चली तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 2017 में भी बीजेपी की जीत मान ली और वो थोड़े सुस्त पड़े। नतीजा ये रहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट घटकर 99 पर पहुंच गई। कांग्रेस से कांटे के मुकाबले में मिली इस जीत को नरेंद्र मोदी भूले नहीं और उन्होंने 2022 में जीत की सबसे बड़ी लकीर खींचने का फैसला कर लिया। फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सितंबर से लेकर 2 दिसंबर तक कुल 39 रैलियां की। इन रैलियों से प्रधानमंत्री ने गुजरात की 182 में से 134 विधानसभा सीटों को कवर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 2 रोड शो भी किए, जिनमें प्रधानमंत्री के द्वारा अहमदाबाद में किया गया 50 किलोमीटर लंबा रोड शो भी शामिल। इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री ने 14 विधानसभाओं को कवर किया। कांग्रेसना मित्रों पण कान खोलीने सांभळी ले कि तमारी लोकतंत्र में श्रद्धा अश्रद्धा ए तमारो विषय है। तमारे एक परिवार माटे जीववानुं होय तमारी मरजी, पण तमे लखी राखजो तमे जेटलो कीचड़ उछाड़शो एटलुं ज कमळ वधारे खीलवानुं छे। जैसे जैसे प्रधानमंत्री ने गुजरात में प्रचार में जोर लगाना शुरू किया, विपक्षी खेमे में खलबली मचनी शुरू हो गई। ऐसे लम्हों में मोदी विरोधी जैसी गलती करते रहे हैं, वो गलती ना चाहते हुए भी हो ही गई। हर वक्त अपनी बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या है। बीजेपी के लिए सहानुभूति वोट पाने के लिए प्रधानमंत्री के आक्रामक रवैये से विरोधी दल और उसके नेता अच्छी तरह परिचित हैं। मणिशंकर अय्यर से लेकर दूसरे कई नेताओं के बयानों के बाद उन दलों का जो हश्र हुआ, उससे वाकिफ होने के बावजूद जब ये गलती गुजरात में दोहराई गई तो प्रधानमंत्री को गाली से ताली बजवाने और इसे अपने पक्ष में भुनाने का मंत्र मिल गया। मोदी ने गाळो देवी आ देशना प्रधानमंत्री ने अपमानित करवा, एने नीचा देखाड़वा, एने ये पोतानो अधिकार समझे छे। अगर लोकतंत्र में एमनो विश्वास होत तो कांग्रेस पार्टी आटली हदे क्यारेय न जात, परंतु कांग्रेस नो भरोसो लोकतंत्र में नहीं, एक परिवार उपर छे अने परिवार ने खुश करवा माटे जे करवू पड़े ए कांग्रेस में फैशन थई गई छे अने एमना माटे लोकतंत्र नहीं परिवार ज बधुं छे। कांग्रेस पार्टी में तो कॉम्पिटिशन चाले छे, कॉम्पिटिशन कि कोण मोदी ने वधारे गाळो बोले और कौन मोदी ने मोटी गाळो बोले और कौन मोदी ने तीखी गाळो बोले, एनी स्पर्धा चाले छे। जब भी विपक्ष ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया, उनकी लोकप्रियता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। 2007 में जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा तो एक तरह से बीजेपी के समर्थन में पूरा गुजरात उमड़ पड़ा और मुद्दा विहीन चुनाव में बीजेपी को 117 सीटें मिली। इस बार भी जब मौका मिला तो बीजेपी ने उन बयानों का कोलाज बनाकर जारी कर दिया। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी और मौत के सौदागर, ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। चौकीदार जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा। हर जगह कितने लोग पीएम मोदी पर निजी हमले को गुजरात के गौरव पर हमले के रूप में प्रचारित किया जाना नया नहीं। इस बार भी इसे वैसी ही शक्ल दी गई। ये लोगों ने गुजराते नकारी दीधा अने भूतकाळनी चूंटणीओ तमे जोई हशे। ए लोको गुजरातना हितोनी विरुद्धमां એની ચોટીનું જોર લગાવતા રહ્યા છે। એ બધા એમના ખેલ નકામા ગયા। તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય। અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે। पूरे गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी लार्जर देन लाइफ नजर आए। बीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर मतदाताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील है। उनकी लार्जर देन लाइफ यानी बड़ी हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि ने पार्टी के लिए फिर से चमत्कार किया। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। यही वजह रही कि गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोरबी में अंग्रेजों के जमाने का बना पुराना पुल टूटा तो हादसे में बड़ी संख्या में हुई मौत के बाद विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष ने इस दुखद घटना को बीजेपी सरकार की नाकामी के रूप में उछालने की कोशिश की, लेकिन मोदी फैक्टर के आगे सभी मुद्दे बौने रह गए। मोरबी में जहां यह हादसा हुआ वहां भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर विपक्ष को मोदी होने के मायने बता डाले। जाहिर गुजरात चुनाव के जरिए मोदी ने अपनी पार्टी और दूसरे दलों को बता दिया कि राजनीति की दुनिया में उनका सबसे बड़ा कद क्यों है। पीएम मोदी ने दिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। पीएम मोदी ने सिखा दिया कि जीत कैसे सुनिश्चित की जाती है। पीएम मोदी ने बता दिया कि 2024 के लिए सियासी दलों के मिशन विजय का ब्लूप्रिंट क्या हो। लेकिन जब मोदी ही जीत के सबसे बड़े नायक और सबसे बड़े ब्रांड हो तो दूसरों के हिस्से में क्या कुछ बच जाता है। इसका जवाब 2022 के बाद अब 2024 में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।